स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी लेशन नंबर 6 आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 34। लेसन का नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। विषय प्रवेश देखते हैं। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। प्रस्तुत इकाई हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है, जिन्होंने विज्ञान प्रौद्योगिकी शिक्षा उद्योग वाणिज्य व्यवसाय प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। तो अब हम लेसन देखते हैं। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अम्बालाल था तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। प्रतिष्ठित शब्द का अर्थ होता है इज्जतदार, प्रसिद्ध। परिवार यानी कि कुटुंब, तो उनका परिवार था वह इज्जतदार कुटुंब था। और पिता का नाम क्या था? अम्बालाल। और माता का? सरला देवी। कितने भाई बहन थे? 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावान, प्रतिभावान यानी तेजस्वी बुद्धि वाला। बाल्यकाल यानी कि बचपन से ही वह बुद्धिमान। विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। बुलंद यानी कि ऊंचा। उनका इरादा कैसा था? ऊंचा इरादा। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिता श्री अम्बालाल के नाम ढेरों चिट्ठियां आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। अब विक्रम साराभाई जब 5-6 साल के थे तब वह उनके परिवार के साथ शिमला गए थे। वहाँ उनके पिता श्री अम्बालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ, ढेरों यानी कि बहुत सारी चिट्ठियाँ आती थी, और ये देखकर उनके मन में भी यह इच्छा होती कि मेरे नाम भी इतने सारे ही पत्र आए। इसीलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिया। उन्होंने क्या किया, जब तब तो वह 5-6 साल के थे, अपने ही नाम के लिफाफे पर अपना खुद का नाम और पता लिख दिया और डाकघर में वो डाल दिया। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियां आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। असलियत यानी कि वास्तविकता मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां यानी कि करते और लोगों को
अचंभित कर देते थे। अचंभित यानी कि विस्मित, आश्चर्यचकित कर देते थे। जब वह छोटे थे साइकिल चलाते तो साइकिल पर अलग अलग कर्तव्य करते और लोग आश्चर्यचकित हो जाते। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। कारनामे यानी कि साहसपूर्ण कार्य। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। भौतिकी यानी कि भौतिक